अभी परफॉर्मिंग आर्ट स्टार्ट कर उसमें इंडियन म्यूजिक डांस फॉर्म्स, ये दोनों हम ज्यादा आज डिटेल में देखेंगे। पपेट्री है वो जो उसके टाइप्स है वो हम रिविजन के जैसे फटाफट डिटेल में नहीं। जो इंडियन म्यूजिक थी उसका ओरिजिन हम देख सकते हैं सामवेद में, और हर एक वेद के साथ एक उपवेद रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो उपवेद है वो गंधर्व वेद, तो सामवेद और गंधर्व वेद ये दोनों से हमें इंडियन म्यूजिक का जो स्टार्टिंग का ओरिजिन टाइम पीरियड है वो यहाँ पे मिलता है। माइथोलॉजिकली नारद वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने गॉड का मैसेज सुना था, तो इसलिए जो नारद है वहाँ से इंडियन म्यूजिक का एक कंसेप्ट स्टार्ट होता है। हमारी जो फिलोसफी है उसमें नाद यानी कि जो म्यूजिक है उसको ह्यूमन जो क्रिएशन है या फिर सारी क्रिएशन है उसका बेसिक माना जाता है। भरत मुनि की जो नाट्य शास्त्र है उसमें भी म्यूजिक के ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स हमें मिलते हैं। भरत मुनि ने म्यूजिक को नृत्य गायन वादन ये सारे जो उसके फंक्शंस उसमें डिवाइड किया था। इंडियन म्यूजिक का सिस्टम जो पूरी है उसके बेसिक तीन पिलर्स है, स्वर राग एंड ताल। स्वर होता है वो पीच यानी कि टोन या फिर नोट्स इसको बोलते हैं। तो हमारी जो इंडियन म्यूजिकल सिस्टम है उसमें बेसिक सात स्वर है, सारे गामा पता नहीं सब। प्रिमिटिव साउंड जो है ओम उसमें से ही ये सात स्वर निकले हैं। ये सारे गामा जो है उसका भी अपना एक मीनिंग है, तो सा यानी कि सच्चा, रे ऋषभ, गा गांधार, मा मध्यम, पंचम दैवत एंड निशा। राग जो ये सारे स्वर्स का जो कॉम्बिनेशन है उसको मिला के एक कंपोजिशन मिलती है जो मेलोडी जनरेट करती है उसको राग बोलते हैं। जो स्वर के जितने जितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं उसमें से ही उसके ऊपर राग डिपेंड करता है। मिनिमम पांच स्वर होते हैं एक राग में, तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल सेवन होते हैं। तो तीन टाइप के राग हमें मिलते हैं, एक औडव राग जो इसमें पांच स्वर होते हैं, दूसरा षडव राग जिसमें छह स्वर होते हैं, और तीसरा संपूर्ण यानी कि जिसमें सातों स्वर होते हैं। तो दैट इज कम्प्लीट। हिंदुस्तानी म्यूजिक में प्रिंसिपल छह राग है, जबकि जो कर्नाटिक म्यूजिक जब हम देखेंगे तो उसमें जो प्रिंसिपल राग है बहुत ज्यादा है। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसमें जो राग है वो टाइम मूड एंड सीजन स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जाम्पल हिंडोल राग है तो उसका टाइम पीरियड है डॉन टाइम पीरियड यानी कि सुबह का जो एक होता है, उस स्प्रिंग सीजन होती है। जो स्वीटनेस ऑफ यंग कपल ये मूड होता है, तो इन तीनों को कंबाइन करके इसकी जो एक परफेक्ट थियरी है वो बनती है। तो वैसे ही बहुत सारे रागों का जो बेसिक छह राग है उसका टाइम मूड एंड सीजन स्पेसिफाइड होता है। ताल है वो रिदम का एक बेस है। अगर हम अच्छा म्यूजिक सुनते हैं तो रिदम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट उसमें होता है। जो बीट्स की अरेंजमेंट होती है वो सर्कुलर मैनर में होती है जो ताल जनरेट करती है। और टोटल 32 टाइप्स के ताल है, इसमें तीन बीट से 108 बीट तक पूरी रेंज होती है। तीन ताल है, वैसे बहुत सारे अलग अलग ताल होते हैं। इंडियन म्यूजिक है उसको फर्दर हम क्लासिकल, मॉडर्न, फोक और अदर्स जिसमें क्लासिकल और फोक का कॉम्बिनेशन है वैसे डिवाइड कर सकते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को हम फर्दर डिवाइड करेंगे हिंदुस्तानी और कर्नाटिक में, मोस्टली नॉर्दर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया में से। जो मॉडर्न म्यूजिक है वो रॉक, जैज, पॉप, ब्लूज, ट्रांस ये जैसे डिवाइड होता है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो अभी हम इसको डिटेल में नहीं देखेंगे। फोक म्यूजिक जो है उसमें सारे रीजन्स की जो अपनी ट्रेडिशंस होती है वो जो उसके रिलेटेड जो सॉन्ग्स होते हैं वो होते हैं, यानी कि स्त्री गीत है जो फीमेल के अपने मैरिज या वो सब की जो उसकी ट्रेडिशंस है उसके रिलेटेड होता है। पनिहारी सॉन्ग्स होते हैं, वान वान जो जम्मू एंड कश्मीर के फोक सॉन्ग्स है, मांड राजस्थान का है, लावनी महाराष्ट्र का, वैसे अलग अलग रीजन्स के ऐसे फोक म्यूजिक होता है। जो फ्यूजन है उसमें सुगम संगीत है, सुगम संगीत में फर्दर बहुत सारे उसके पार्ट है वो हम देखेंगे डिटेल। फिर रविंद्र संगीत है, हवेली संगीत एंड गण संगीत।
सबसे पहले हम हिंदुस्तानी और कर्नाटिक में जो डिफरेंस है वो देख लेंगे। हिंदुस्तानी म्यूजिक जो है उसका जो हमें ओरिजिन मिलता है वैदिक टाइम पीरियड से मिलता है, जबकि कर्नाटिक स्टाइल है वो ज्यादा रिसेंट ओरिजिन की है, मिडेवल टाइम पीरियड में उसका स्ट्रक्चर है वो ज्यादा डेवलप होता है। हिंदुस्तानी जो स्टाइल है वो नॉर्दर्न इंडिया में, तो नॉर्दर्न इंडिया में इन्वेजन्स काफी होते रहे, तो इसमें आउटसाइड इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, उसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस तो बहुत ही ज्यादा है, जबकि कर्नाटिक स्टाइल है वो कम्प्लीटली इंडिजीनियस है। मुस्लिम इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत है, क्योंकि जो कर्नाटिक जो स्टाइल है वो पूरी डेवलप करने के लिए जो आर्टिस्ट थे वो नॉर्दर्न इंडिया में जाके स्टडी करके भी आए थे जो हिंदुस्तानी म्यूजिक का, तो इसकी वजह से उनका इन्फ्लुएंस, और यहाँ पे जो सुल्तान्स थे तो उसकी वजह से एक मुस्लिम इन्फ्लुएंस यहाँ पे मिलता है, लेकिन ज्यादा तौर पे ये इंडिजिनियस स्टाइल है। हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसमें एक आर्टिस्ट को फ्रीडम होती है इनोवेट करने की और इम्प्रोवाइज करने की, तो उसको कुछ अलग तरीके से राग की तार की कंपोजिशन करनी है तो उसके लिए फ्रीडम होती है, तो वो जो फ्रीडम होती है उसकी वजह से अलग अलग स्टाइल्स इवॉल्व होती है, तो इसीलिए यहाँ पे घराना का कंसेप्ट मिलता है, जबकि साउथ इंडियन जो स्टाइल है उसमें या कर्नाटिक स्टाइल है उसमें इसी फ्रीडम नहीं होती, तो फ्रीडम नहीं होती तो फिर कुछ अलग से स्टाइल्स भी इवॉल्व नहीं होती, और इसीलिए यहाँ पे घराना सिस्टम नहीं होती। इसका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न इंडिया में है, जबकि यहाँ का पेनिनसुलर इंडिया जो हमारा है और उसमें भी तमिलनाडु ये सारे जो हमारे स्टेट्स है वहाँ पे ज्यादा देख सकते हैं। हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है वो ज्यादातर इमोशनल म्यूजिक है, जैसे कि राग है वो टाइम मूड और सीजन स्पेसिफिक है तो वो एक इमोशंस जनरेट करते हैं, जबकि कर्नाटिक स्टाइल है वो ज्यादातर इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल म्यूजिक है। यहाँ पे मैं जैसे देखा था हमने प्रिंसिपल राग है वो काफी कम है, 6 राग है, जबकि यहाँ पे 72 जितने प्रिंसिपल राग है और उसको पहला कर्ता बोलते हैं। यहाँ पे जो राग है वो टाइम मोड है सीजन स्पेसिफिक है, जबकि कर्नाटिक स्टाइल में ऐसा कुछ नहीं होता। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है उसमें इंस्ट्रूमेंट्स पे ज्यादा फोकस होता है, यानी कि जो इंस्ट्रूमेंटल की जो बिट्स होती है या फिर उसका जो म्यूजिक होता है उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसिस होता है, जबकि कर्नाटिक जो स्टाइल होती है उसमें वोकल यानी कि जो सिंगिंग पार्ट होता है उस पर ज्यादा फोकस होता है। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसमें जो टेम्पो होता है वो स्लो टू फास्ट होता है, यानी कि जो आलाप होगा वो काफी स्लो होगा, उसके बाद जो उसका कंक्लूजन अगर था फास्ट पे ये क्लाइमेक्स पे पहुंचता है। यह और कर्नाटिक स्टाइल पे ये जो पूरा परफॉर्मेंस होता है उसके थरली ये फास्ट टेम्पो ही मेंटेन करता है। यहाँ पे रागा बेस्ड होता है जो हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है, और कर्नाटिक होता है वो कंपोजिशन बेस्ड होता है। इंस्ट्रूमेंट्स भी दोनों में कुछ डिफरेंट है कुछ कॉमन है। हिंदुस्तानी में तबला सारंगी सितार संतूर ये सबका ज्यादा यूज होता है, जबकि कर्नाटिक म्यूजियम है यहाँ पे वीणा मृदंगम मैंडोलिन ये सबका ज्यादा यूज होता है, वायलिन एंड फ्लूट दोनों में कॉमन है। जैसे कि हमने देखा कि हिंदुस्तानी जो म्यूजिक है उसमें इम्प्रोवाइजेशन और जो एक फ्रीडम है उसका स्पेस मिलता है, इसकी वजह से यहाँ पे घराना सिस्टम्स और सब स्टाइल्स ये दोनों इवॉल्व हुए हैं, तो इसकी जो सब स्टाइल्स है उसमें बेसिक है ध्रुपद ख्याल धमर ठुमरी तराना एंड टप्पा, इन सबके फर्दर घरानाज है, तो वो घरानाज हम इतने डिटेल में नहीं देखेंगे लेकिन स्टाइल्स थोड़ी डिटेल में देखेंगे। ध्रुपद घराना, ध्रुपद है वो सबसे एंशियंट फॉर्म माना जाता है हिंदुस्तानी म्यूजिक का, तो ये इसका ओरिजिन भी जो है वैदिक ओरिजिन है, इसको सारी जो सब स्टाइल्स है उसकी मदर बोला जाता है, ये टेम्पल्स में डेवलप हुआ था, तो जो हमारे मंत्रास थे या जो श्लोक्स थे उसका जो चैंटिंग करने का जो तरीका था उससे ध्रुपद स्टाइल डेवलप होती है, तो जो मंत्रास है उसका एक प्रॉपर टोन में उसको प्रनाउंस करना यहाँ से स्टार्ट होता है। तो सामवेद है वो साइंस ऑफ म्यूजिक ही है, तो इसका जो ओरिजिन है वो सामवेद से हम देख सकते हैं। यहाँ पे जो थीम है वो रिलीजियस है, फिलोसॉफी डिवोशन, फिर सीजन्स की जो सेलिब्रेशन है तो वो सेलिब्रेट करने के लिए उस टाइम पे वो राग वो टाइम एंड मूड पे गाए जाते हैं। यहाँ पे जो म्यूजिकल पार्ट्स है उसकी अरेंजमेंट्स काफी सिस्टमैटिक होती है, तो उसकी थियरी काफी एस्टैब्लिश है, उसमें फिर थोड़ी बहुत फ्रीडम आप लेके कुछ अलग से अपना इवॉल्व कर सकते हो। ये जो स्टाइल है फिर
एंशियंट के बाद जो राजा मानसिंह तोमर थे ग्वालियर के, उन्होंने इसको प्रमोट किया था। अकबर ने भी इनको प्रमोट किया था, जो उनके नवरत्न में थे तानसेन, फिर हरिदास, बैजू बावरा, ये सब ने भी ये स्थल को काफी प्रमोट किया था। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होता है मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है, आला पैन बंदिश। तो इस वजह से जो ये जो उसकी अरेंजमेंट होती है वो काफी फिक्स होती है कि आलाप में ऐसी टाइप की अरेंजमेंट्स आप कर सकते हो और बंदिश में ये टाइप की, तो इसकी अरेंजमेंट काफी सिस्टमैटिक होती है। इसके चार घराने हैं, डागर, दरभंगा, बेतिया और तलपट्टी। जो डागर घराना है वो जयपुर घराना के नाम से भी जाना जाता है। ये चारों घराने एक अलग अलग बानी के साथ कनेक्टेड है। तो जो डागर घराना है वो डागरी बानी के साथ कनेक्टेड है। जो फेमस आर्टिस्ट है वो गुंडेचा ब्रदर्स, जो अभी हम उनका नाम सुन सकते हैं, हरिदास, बेराम खान, ये काफी इनके फेमस आर्टिस्ट है ये घराना के। दूसरा है दरभंगा घराना, ये बिहार रीजियन से है, ये गौहर बानी से रिलेटेड है। इसके जो फाउंडर थे वो करता राम थे और फेमस एक मलिक फैमिली है जिसके जनरेशन ये घराना से जुड़ी हुई है। तीसरा है बेतिया घराना, ये भी बिहार रीजन से है, ये खंडेर बानी से रिलेट करता है, हैदर खान यहाँ के फेमस आर्टिस्ट। तलवंडी घराना जो पंजाब रीजन से रिलेट करता है और ये नौहरी बानी यहाँ पे। दूसरा है ख्याल, ख्याल आपको इंडिविजुअली भी क्वेश्चन में आ सकता है। ख्याल मीन्स एन आइडिया या फिर थॉट और इमेजिनेशन। तो यहाँ पे एक थॉट के लिए फ्रीडम होती है, तो इसकी वजह से ये ज्यादा फ्री ही है और फ्लावरी भी है, क्योंकि आपकी जो इमेजिनेशन है उसको आपको परफॉर्म करने के लिए एक ज्यादा फ्रीडम की जरूरत होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे ये डेवलप होता है। यहाँ पे जो थीम्स है वो डिवाइन लव, सेपरेशन ऑफ लवर्स, ये काफी इसकी इम्पोर्टेंट थीम है। प्रैंक्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा भी यहाँ पे काफी यूज होते हैं। इसकी जो लिरिक्स है वो काफी ऑर्नामेंटल होती है, क्योंकि अपने आइडियाज या फिर इमेजिनेशन को एक दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए काफी अच्छे ऑर्नामेंटल लिरिक्स की जरूरत होती है, तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, जो सिंगिंग पार्ट है वो ज्यादा रहता है। तान यानी कि टेम्पो का यहाँ पे यूज होता है, और टेम्पो के बेस पे ये जो ख्याल परफॉर्मेंस है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल। तो बड़ा ख्याल यानी कि होता है जिसमें स्लो सीरियस टाइप का टेम्पो होता है, और छोटा ख्याल यानी कि उसमें शॉर्ट पिच या फास्ट टेम्पो होता है, तो ये छोटा ख्याल। इसमें चार घराना है, ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाला एंड आगरा घराना। ग्वालियर घराना ही ये स्टाइल में सबसे पुराना है। जो विष्णु पलुष्कर जो सबसे फेमस आर्टिस्ट है यहाँ पे, रघुपति राघव राजा राम जो फेमस भजन है यहाँ पे कंपोज हुआ था। इवन विष्णु पलुष्कर ने फिर काफी जो इसका इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट है हिंदुस्तानी म्यूजिक का, जो अकादमी और सारे इंस्टीट्यूट उसमें भी काफी उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो ये आर्टिस्ट इम्पोर्टेंट है। किराना घराना जो हरियाणा का कुरुक्षेत्र रीजन है वहां से ही बिलोंग करता है, पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई ये सारे आर्टिस्ट यहाँ से बिलोंग करते हैं। पटियाला घराना, यहाँ पे रिदम काफी इम्पोर्टेंट है। अगर ये सारे घराना को आपको डिटेल में देखना है तो थोड़ा बहुत राग, रिदम, ये सारे जो फीचर्स है उसमें डिफरेंस होते हैं, तभी इसकी स्टाइल अलग से इवॉल्व होती है और ये घराना बनता है। तो अगर डिटेल में देखना है तो ये बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो। पटियाला घराना है उसमें रिदम काफी इम्पोर्टेंट है, और उसका जो फोकस होता है वो इमोशंस पे ज्यादा होता है, तो वो लिरिक्स भी वो टाइप की यूज करते हैं जो इमोशनल टच हो। इसके जो फाउंडर है वो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और बेगम अख्तर और नैना देवी काफी इसके फेमस आर्टिस्ट हैं। लास्ट वन इज आगरा घराना, इसको रंगीला घराना भी बोलते हैं। यहाँ पे राग का काफी इम्पोर्टेंस होता है, वहां पे रिदम इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे राग इम्पोर्टेंट है, तो उसकी जो कंपोजिशन का फोकस पॉइंट होता है वो राग पे होता है, जबकि वहां पे जो कंपोजिशन का फोकस होता है वो रिदम पे होता है। यहाँ पे विजय किचलू, सी आर व्यास, ये सारे इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट। फिर धमर स्टाइल है, यहाँ पे धमर स्टाइल का यूज करता है, तो 14 बिट्स होती है उसमें और इरेग्युलर बिट्स होती है, तो उसमें वेरिएशन लाके फिर ये अलग अलग कंपोजिशन बनाते हैं। यहाँ पे फ्रीडम की बहुत ज्यादा स्पेस मिलती है, इसकी जो थीम है वो इरोटिक कृष्णा फेस्टिवल्स इस सब पे डिपेंड करती है। ठुमरी स्टाइल, यहाँ पे बहुत सारे रागों का एक मिक्सचर होता है,
यहाँ पे लाइट एंड रोमांटिक वर्ड्स का भी यूज करते हैं। इसकी जो थीम होती है वो ज्यादातर रोमांटिक होती है। ब्रज भाषा में यहाँ जो सॉन्ग्स है उनका यूज यहाँ पे ज्यादातर ठुमरी स्टाइल जो है वो जो ब्रज एरिया है उसके अराउंड में इसका डेवलपमेंट ज्यादा मिलता है। तो इसकी दो टाइप है, पूर्वी ठुमरी एंड पंजाबी ठुमरी। पंजाबी ठुमरी जो होती है वो काफी फास्ट टेम्पो वाली होती है और इसमें वर्ड्स भी जो नो मीनिंग वर्ड्स है वैसे ज्यादा यूज होते हैं। तराना स्टाइल, तराना में भी रिदम काफी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम ही कुछ ऐसा सजेस्ट करता है, तराना दैट इज रिलेटेड टू रिदम। इसमें नो मीनिंग वर्ड्स है वो भी काफी यूज होते हैं, जैसे जो सिर्फ रिदम के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन उनका कोई मीनिंग नहीं होता, वैसे जो वर्ड्स है उनका यूज ज्यादा होता है। जैसे कि आप बॉलीवुड सॉन्ग्स में भी कई बार देख सकते हैं, जैसे गिली गिली आप है उसका कोई मीनिंग नहीं है लेकिन दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर रिदम। तो ये रिदम जनरेट करने के लिए ऐसे वर्ड्स का यूज होता है। जो पंजाबी सॉन्ग्स होते हैं उसमें भी भांगड़ा जब आप फोक कल्चर में लिखोगे तो उसमें नो मीनिंग वर्ड्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। यहाँ पे जो टेम्पो होता है बहुत फास्ट होता है बिकॉज ये रिदम पे ही ज्यादा डिपेंड करता है। ये जो रिदम जनरेट करने के लिए या फिर राग ये सारे वर्ड्स का यूज करने के लिए टेम्पो जो जनरेट करना होता है उसके लिए स्पेशलाइजेशन या स्किल की एक रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि उसमें रिदम को एक मैनिपुलेट करना पड़ता है तब जाके एक अच्छी कंपोजिशन मिलती है। टप्पा स्टाइल, ये पंजाब रीजन से बिलोंग करती है और ये एक्सटेंड हो रही है इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये जो स्टाइल थी इसमें इनिशियली जो कैमल ड्राइवर्स थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था, जो हमारे नॉर्थ वेस्ट पार्ट में डेजर्ट एरिया है वहां से ये लोग बिलोंग करते हैं। काफी जो क्विक फ्रेजेस है वो यूज होते हैं इसमें, तो क्विक फ्रेजेस यूज करने के लिए शॉर्ट तान यानी कि शॉर्ट पिच का यूज होता है। यहाँ पे ज्यादा एलोब्रेशन नहीं होता क्योंकि ये जो मेनली जो ये आर्टिस्ट थे वो काफी ऐसे डेजर्ट टाइप से बिलोंग करते थे, तो ज्यादा एलोब्रेशन नहीं है यहाँ। ये स्टाइल अभी एक्सटेंड हो रही है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे जो आर्टिस्ट है मिया सुदी, ये इम्पोर्टेंट है। फ्यूजन, जो क्लासिकल म्यूजिक और फोक म्यूजिक का एक फ्यूजन से हमें बहुत सारी अलग अलग स्टाइल्स मिली है, सुगम संगीत, रविंद्र संगीत, हवेली संगीत एंड गण संगीत। सुगम संगीत जो डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं ये सोलो परफॉर्मेंस ज्यादा होते हैं, तो एक इंसान सिंगिंग करता है और बाकी सारे उसको एंजॉय करते हैं, तो ये ज्यादातर सोलो परफॉर्मेंस होता है। यहाँ पे मोस्टली डिवोशनल सॉन्ग्स होते हैं और इसके फर्दर काफी टाइप से भजन है जो जनरली गॉड के प्रेज में गाए जाते हैं। मीरा, नानक, कबीर ये सबके भजन काफी फेमस है। कीर्तन जो बंगाल रीजन से फेमस है, वहाँ पे डांस एंड म्यूजिक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे हम गीत गोविंद का भी दिवस देख सकते हैं, क्योंकि गीत गोविंद का जो सारे भजन से तो उसको गाने के साथ एक डांसिंग का भी यहाँ पे ट्रेडिशन पहले से हम देख सकते हैं। फिर शब्द जो पंजाब में मिलते हैं तो वहाँ पे सिख गुरु इसको सिंगिंग करने का काफी कंसेप्ट है। कवाली जो मिडेवल टाइम पीरियड में डेवलप हुई थी, यहाँ पे एक सूफी एलिमेंट है तो सूफीज्म के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है ये आर्ट फॉर्म, और अमीर खुसरो ने इसको प्रमोट किया था। उसके बाद है अभंग जो महाराष्ट्र रीजन से कनेक्टेड है, जो नामदेव, तुकाराम ये सारे जो आर्टिस्ट थे या बेसिकली देवर साइंट्स, तो भक्ति साइंट जो भक्तिज्म की जो उनकी मूवमेंट थी उनको स्प्रेड करने के लिए इनका काफी यूज हुआ है। भटियाली, भटियाली जो है वो बोट सॉन्ग्स है जो बंगाल रीजन में जो नाविक्स होते हैं वो ये लोग ये गाने गाते हैं, तो डिवोशनल थीम पे होता है और ज्यादातर ये जब सुबह अपनी बोट लेके निकलते हैं तब ये गाने गाते हैं और वापस आते हैं तब, तो सनराइज और सनसेट ये टाइम पीरियड में ही गाए जाते हैं। तेहरम ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, जो शैवर्ट्स थे वहां पे ये उनके कनेक्टेड थे। और गजल, गजल में एक डिवोशनल टच है, सूफीज्म का डायरेक्टली यहाँ पे इन्फ्लुएंस है, पर्शियन इन्फ्लुएंस भी है, तो ये पर्शियन इन्फ्लुएंस है इंडियन म्यूजिक, तो म्यूजिक है वो काफी हिंदुस्तानी म्यूजिक ही यहाँ पे यूज होता है और इन्फ्लुएंस यहाँ पे जो उसका जो एक एसेंस होता है वो सूफीज्म से होता है। यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट कपलेट्स होती है वो भी काफी मीनिंगफुल होती है। इसकी जो थीम होती है वो सूफीज्म से रिलेटेड है तो मिस्टिकल है, फिर कुछ सेक्युलर थीम्स भी मिलती है लेकिन वो उसमें एक एसेंस तो होती है जो हमारे गॉड से कनेक्ट करती है, तो सूफीज्म हम डायरेक्टली देख सकते हैं।
जो इसके मेन आर्टिस्ट थे मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर, ये सारी ये टाइम पीरियड। रविंद्र संगीत, जो टैगोर ने एक अलग कल्चर स्टार्ट किया था, यहाँ पे वर्शिप, नेचर, लव, सेलिब्रेशन, ये सारी थीम्स का यूज होता है। तो शांति निकेतन में पूरी स्टाइल डेवलप हुई थी। हवेली संगीत है, वो टेंपल म्यूजिक है, जो हवेली का हमारे गुजरात और महाराष्ट्र में एक पुष्टि संप्रदाय है, उसका कल्चर है। तो उसके जो अलग अलग ट्रेडिशंस है, जैसे कि वो कृष्णा को एज ए चाइल्ड देखते हैं, तो सुबह श्रृंगार, फिर ये सारे जो उसके कंसेप्ट है अलग अलग, पाना, वो सब उसके रिलेटेड अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं, तो उसको हवेली संगीत बोलते हैं। अगर वो लोग थाल धराते हैं तो फिर थाल के रिलेटेड भी सॉन्ग्स होते हैं, तो ये सारे अलग अलग फीचर्स। गण संगीत, ये मोस्टली जो हमारी इंडिपेंडेंस की मूवमेंट थी उसके साथ कनेक्टेड था, जैसे कि सॉन्ग से अपनी आज़ादी को हम हर मिटा सकते हैं, तो ये कोरस में गाए जाते हैं और एक टेम्पो जनरेट करते हैं, लोगों में एक वीर रस का इमोशंस जनरेट करते हैं। तो इसके लिए ये इंडिपेंडेंस, हमारी जो नेशनल मूवमेंट थी वहाँ पे इसका डेवलपमेंट हुआ। ये मोस्टली बंगाल से स्टार्ट हुआ था और बाकी सारे इंडिया में बहुत ही जल्दी स्प्रेड हो गया था। वंदे मातरम का भी जो यहाँ से ज़्यादा स्प्रेड हुआ था ये संगीत के थ्रू। फिर जो एक नुक्कड़ होता है या फिर शेरी नाटक होता है, उसमें भी गण संगीत का काफी एक इम्पोर्टेंस रहता है। फिर हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको हम चार कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सुषिर वाद्य, यानी कि विंड इंस्ट्रूमेंट्स, जो विंड को हम मैनिपुलेट करके उसमें से एक रिदम जनरेट कर सकते हैं। एरोफोन्स में बोलते हैं उसको, फ्लूट है, फुंगी है, माउथ ऑर्गन, नाचवरम, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स सुषिर वाद्य है। फिर अवनाद वाद्य, जिसमें हमें स्ट्राइक करनी होती है उसको बजाने के लिए, तो तबला है, ढोल है, पखवाज है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ये कैटेगरी में आएंगे। तार वाद्य, यानी कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, तो गिटार है, वायोलिन है, रावण हत्था जो अभी एक्सटिंक्ट हो रहा है, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स तार वाद्य। और गण वाद्य, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट्स, जो इंडिविजुअली नहीं बजाए जाते लेकिन कोई और परफॉर्मेंस है तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट्स का यूज होता है। यहाँ पे घुंघरू है, जल तरंग है, मटकी है, डांडिया इंडिविजुअली नहीं बजाते लेकिन उसको डांस करते वक्त परफॉर्मेंस के साथ उसका यूज होता है। घुंघरू भी अलग से यूज नहीं होता लेकिन भरतनाट्यम और ये सारे क्लासिकल परफॉर्मेंस में वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। लेट्स ब्रेक।